हाँ तो भाइयों और बहनों, अभी ऐसे ही बैठा हुआ था तो मेमोरी का फ्लैशबैक आने लगा। तो याद है बचपन में जुम्मे वाले दिन हम चूजे लेकर आया करते थे? जैसे रंग बिरंगे लोग आजकल सीव्यू पे हैं, उस जमाने में रंग बिरंगे चूजे मिला करते थे, 10-10 रुपए के फार्मी चूजे। वैसे तो चूजे लाने का हमें बड़ा शौक था बचपन में, लेकिन उसके साथ एक मसला हो जाता था। वो चूजा एक दिन से ज्यादा जिंदा रह नहीं पाता था। वो उसको लाते थे, उसकी जिंदगी उसका बस ये था कि वो आएगा घर 10 रुपए और वो 10 रुपए की मौत है। वो जिंदा नहीं रह सकता था, उसका बचना ही नामुमकिन था। अब हम भी छोटे हुआ करते थे उस वक्त, 6-7 साल उम्र थी हमारी, यार चूजा देख के वैसे इंसान का दिमाग घूम जाए कि गुलाबी चूजा कहाँ से आ गया, गुलाबी पीला नीला, और हमें लगता था वो उसी कलर का रहेगा, बाद में वो सफेद हो जाता था। तो इसी तरह हम भी एक दफा चूजे ले आए थे, हमारे भाई एक दफा 4 चूजे ले आया था खरीद के, वो हमने डाल दिया आम की पेटी के अंदर के, चलो इसमें सेफ रहेंगे, रात को चले गए हम दावत में। दावत से वापस आए तो पता चला भाई वो चूहे ने ताड़ लिए थे, चूहे ने पेटी फाड़ के सारे चूजे निकाल लिए, उसने फुल रात को बजे पार्टी की होगी, सारे चूजे खींच के ले गया। नेचुरल डेथ कोई चूजा नहीं मरेगा, मरेंगे तो सारे दर्दनाक मौत मरेंगे। इसी तरह एक दफा क्या हुआ कि हमारे पास मुर्गी खरीद के ले आए, तो हमारे दोस्त ने पूछा भाई तेरे पास मुर्गी आ गई? मैंने कहा, तो उसने मुझे लाके एक चूजा दे दिया, कह रहा यार मैं 2 लाया था, ये एक बचा, एक तू रख ले अपनी मुर्गी के साथ डाल दे। मैंने कहा दूसरा कहाँ गया? कह रहा यार वो मैं एक चूजा ऐसे खेल रहा था, उसको ऐसे हवा में उछाल के कैच कर रहा था, वो हवा में से चील आई और उसको लेके चली गई, रास्ते में से शिकार करके ले गई, तो दूसरा चूजा हमारे पास आ गया। मैंने कहा चलो मुर्गी के पास डाल देते हैं, क्या पता इसके अंदर ममता जाग जाए, इसको अडॉप्ट कर ले। मैंने डाल दिया चूजा, उस वक्त तो मुर्गी ने कुछ नहीं किया, अगले दिन गया तो बेचारा चूजा ही नहीं मिला, वो बाद में पता चला कि मुर्गी ने चूजा खा लिया था। मतलब यार उस वक्त तो हमें पालने वाले आते भी नहीं थे, ऐसे ऐसे काम हुए मेरे चूजों के साथ, मेरे चूजे कैनिबलिज्म का शिकार हुए। मैंने 4 चूजे डाले एक दफा, 5 चूजे कि चलो ये 7 मिल लेंगे, अगले दिन उठा तो एक चूजा जख्मी चल रहा है, वो जख्मी चल रहा है, उसके पर पे चोट लगे, मुझे लगा चूहा हुआ होगा, मैंने उठा के ऊपर रख दिया थोड़ा, मैंने कहा बच जाएगा, अगले दिन उठा तो और बड़ा जख्म। वो बाद में पता चला वो 4 चूजे थे ना, वो मिलके उसको खा रहे थे, वो रोज उसके जख्म पे चोट मार के उसको खा रहे थे। मैंने फिर अलग किया तो बाद में बिल्ली उठा के ले गई। ये बिल्लियों का सीन बड़ा खतरनाक है यार, ये एकदम से झपट्टा मार के ले जाती है। मैंने वो बच्चा निकाल के रखा चूजा कि चल यार थोड़ा घूम लेगा, डब्बे में बोर हो जाएगा, मेरे सामने झपट्टा मार के ले गया, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे रिएक्शन का टाइम नहीं मिला, उसने चूजा उठाया दीवार टाप के बाहर, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गया। चूजो को यार बड़ा खतरनाक सीन होता था, बड़ा बैड सीन होता था यार, 10 रुपए तो ऐसे ही जाया हो जाते थे उस वक्त। मतलब उस चूजे की जिंदगी में बस यह था कि उसको खरीद के घर लाओ और उसकी मौत है, वो खत्म है। उसको इतनी मोहलत नहीं थी कि बेचारा ये चूजा जो है ये बड़ा हो, मुर्गा या मुर्गी बने और खुशगवार जिंदगी गुजारे, इतना टाइम तो दिया ही नहीं ना उसको। घर आया और उसकी मौत का फरमान लिख दिया गया एक दिन में, ऑफ भाई खत्म। अभी ये तो चलो फिर भी सही है, हमारे दोस्तों के साथ तो क्या क्या सीन हुए, तुम्हारी सोच है। हमारे दोस्त ने एक दफा अपनी छत से चूजा नीचे फेंक दिया था कि शायद ये उड़ जाएगा, 6 साल के बच्चे को यार क्या ही अकल होगी, उसने अपनी छत से नीचे फेंका कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की जगह डायरेक्ट नीचे चला गया और नीचे भी पूरा नहीं पहुंचा, आधे रास्ते में कौए ने झपट्टा मार के ले गया। कौए तो पता है आपको होते ही शाणे, वो तो मौके की फिराक में रहते हैं कि भाई कुछ इस तरह का मिले तो हम कार्रवाई डाल दें, कौआ ले गया होगा तो फुल पार्टी वार्टियां मचाई होंगी। तो यार ये तो आप सोच के बड़ा अफसोस होता है कि यार ये तो बड़ा बैड सीन हो जाता था चूजों के साथ, एक दिन की जिंदगी सिर्फ इतनी सी, वो भी जो है सिर्फ नॉर्मल डेथ नहीं, बड़ी दर्दनाक मौत मिलती थी इनको। तो इस मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने बेचना बेचना भी बंद कर दिया, इनको पता चल गया था कि भाई इनके साथ होता क्या है यहाँ पे।